नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने जय श्री राम ओम चैनल पर। धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित अक्षय तृतीया बेहद खास होती है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में शुभ समृद्धि आती है और घर में धन धान्य बना रहता है। सोने की खरीदारी के लिए अक्षय तृतीया का दिन बेहद ही शुभ होता है। कहा जाता है कि इस दिन सोने की खरीदारी करने से घर में खुशहाली का आगमन होता है। मैं आप सभी को बता दूं कि अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी कहा जाता है, यानी अक्षय तृतीया पर बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ काम किया जा सकता है। यह तिथि इसलिए भी शुभ है क्योंकि इसी दिन भगवान परशुराम, नर नारायण और हयग्रीव अवतरित हुए थे। साथ ही सतयुग त्रेता और कलयुग का आरंभ भी अक्षय तृतीया से ही माना जाता है। चलिए जानते हैं कि साल 2024 में अक्षय तृतीया कब है, उसका शुभ मुहूर्त एवं योग के बारे में। साल 2024 में अक्षय तृतीया का पर्व 10 मई शुक्रवार को मनाया जाएगा। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 10 मई प्रातःकाल 4:17 पर। तृतीया तिथि समाप्त होगी 11 मई प्रातःकाल 2:50 पर। पूजा का मुहूर्त रहेगा 10 मई प्रातःकाल 5:33 पर। दोपहर 12:18 तक। खरीदारी का शुभ समय 10 मई सुबह 5:33 से 11 मई रात्रि 2:50 पर। अक्षय तृतीया का शुभ योग। इस बार अक्षय तृतीया पर सुकर्मा योग बन रहा है। इस योग की शुरुआत दोपहर 12:08 से हो रही है, जो कि अगले दिन यानी 11 मई को सुबह 10:03 तक रहेगा। इसके अलावा इस दिन रवि योग भी बन रहा है, जो पूरे दिन रहेगा। वहीं अक्षय तृतीया के दिन अभिजीत मुहूर्त 11:13 से लेकर दोपहर 12:45 तक है। अक्षय तृतीया की पूजा विधि। अक्षय तृतीया के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर तिलक करें। भगवान विष्णु को तुलसी व पीले फूलों की माला, धूप दीप अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम और श्री सूक्त का पाठ करें। नैवेद्य के रूप में खीर व चने की दाल का भोग लगाएं या भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। पूजा के बाद हो सके तो जरूरतमंदों को भोजन व वस्त्र आदि दान करना चाहिए। अक्षय तृतीया का महत्व। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा के अलावा स्नान दान का भी विधान है। इससे आपके अर्जित पुण्य हमेशा आपके साथ बने रहते हैं। अक्षय तृतीया एक ऐसा अबूझ मुहूर्त है जिसमें बिना पंचांग देखे आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए अक्षय तृतीया का दिन सबसे शुभ होता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी शुभ कार्य किया जाता है उसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता और सफलता प्राप्त होती है। अक्षय तृतीया पर क्या करें। अक्षय तृतीया के दिन विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा साथ में करनी चाहिए। इससे सुख समृद्धि धन वैभव बढ़ता है और अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन चावल, आटा, दाल, गुड़, चना, घी, नमक, तिल, ककड़ी आदि चीजों का दान करना चाहिए। इन चीजों के दान से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। इस दिन नमक का दान करने से पितरों को खुशी मिलती है, जिससे वे हमारे जीवन के सभी परेशानियों को दूर करते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया पर नमक खरीदा जाता है। आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब किया नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आइकन बेल को जरूर दबाइए, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। थैंक यू ऑल। जय माता दी। जय श्री राम।